तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, मेरे चैनल की एक और नई वीडियो। तो यार आज बड़े दिनों के बाद लूसी और बुबा एक साथ खेल रहे हैं। एक साथ देखो कैसे बैठे हैं। और अब बुबा इधर जा रहा है और लूसी अब शायद उधर जाएगी, ज़रूर उधर ही जाएगी या मेरे पास आएगी। देखो हाँ लूसी, क्या हुआ? बुबा के साथ खेल लो, क्या हो गया? जाओ बुबा के साथ खेलो, देखो बोरा बुबा खेल लो उसके साथ, जाओ 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 उसके साथ खेल लो, खेल लो उसके साथ यहाँ पे। तो लूसी और बुबा बड़े मुश्किल में खेलते हैं क्योंकि दोनों अलग है ना बिल्कुल, एक वेजिटेरियन एक नॉन वेजिटेरियन। और वैसे भी बिल्ली है ये हर किसी के साथ नहीं खेलती। और अब कई दिनों से काफ़ी कोशिश कर रही है खेलने की हमारे साथ, इसे खेलने का मन कर रहा है। कई दिनों से ये मतलब बार बार तो छुपी रहती है ज़्यादातर, पर इस बार अब छुप नहीं रही है, अब इसका खेलने का मन कर रहा है। तो ये बार बार अलमीरा के नीचे से या कबर्ड के नीचे से बार बार आ रही है, वरना सारा दिन वहीं रहती थी यार, खाना खाती थी वहीं चली जाती थी, फिर खाना खाती थी फिर वहीं चली जाती थी। पर अब ये बार बार खेलने के लिए बाहर आती है और हमारे पैरों से लग लग के जाती है कि मेरे साथ खेलो, बताती है शायद हमें कि हमारे साथ खेलो और मुझे घुमाओ। और हमारा बुबा तो अब बात सुनने लगा है। बुबा तो हम ऐसे कहते हैं एक मैट बिछा देते और बुबा को इशारा करते कि वहाँ जाके बैठो, तो वहीं जाके बैठता। और कल तो पता है इसने क्या किया, कुछ था नहीं ना बैठने के लिए, फर्श बिल्कुल खाली था, शायद सफाई वफाई करी थी, तो इसने दस्तरखान खींचा उसे फैलाया और उस पर बैठ गया। दस्तरखान वहीं रखा रहता है पास में, तो पायदान तो ये उठा नहीं सका क्योंकि पायदान तो दूर रखे रहते हैं कारपेट्स और, पर दस्तरखान वहीं रखा रहता है, तो इसने उठाया फैलाया और उसी पे बैठ गया। यार हम बुबा की बात कर रहे थे, कब सर वहाँ देखे मान अपनी बकरी वहाँ बांध के चला गया। आपको दिख रही होगी ये बच्चे बीच में लट्टू खेल रहे हैं, पीछे आपको दिख रही होगी कि बकरी है वहाँ पे और बकरी के बच्चे शायद चले गए, पर कालू यहीं पर है, जो मान का जो बकरा है कालू, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा कालू और वो रहे बाकी के बच्चे, एक वो है और एक उस बच्चे के पीछे खेल रहा है। ये रहा हमारा कालू, मतलब बच्चे तो प्यारे ही होते हैं यार, देखो कितना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है ये कालू। बताओ कैसे हो तुम, हाँ खेल रहे हो यहाँ पे? मान का है तुम्हारा, मतलब तुम्हारा दोस्त कहाँ है? तो बुबा जेलस फील बहुत करता है। मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ ना, लूसी को गोद में लेता हूँ, घर में कोई भी लेता, देखो कैसे कान खड़े किए इसने कालू के हाथ पे, तो बहुत जेलस फील करता है, बोलता है कि नहीं इसे उतारो और मुझे लो गोद में, अब मेरी बारी है, मुझे प्यार करो सिर्फ, है ना बुबा? वरना तुम चलने का नाम नहीं लेते, और वरना तुम अगर किसी और को गोद में ले लो तो वहाँ से यहाँ आ गए। हाँ इतना शैतान बुबा है हमारा, देखो इधर दिखाओ। तो कालू खेलता खेलता यहाँ पत्तियों के पास आ गया, देखो कितने शौक से खा रहा है पत्ते, कितने जल्दी जल्दी खा रहा है, शायद भूखा होगा ये पत्तियाँ खा रहा है। पर हमारे बूबा ने कभी ट्राई नहीं की यहाँ की पत्तियाँ, और अच्छा है नहीं खाई कभी पत्तियाँ, क्योंकि ये तो इनका खुद का बकरा है जो पार्क के पास लोग रहते हैं, तो इसलिए इसे कोई मनाही नहीं है, नो रेसिस्ट कि अपने बकरे को कोई मनाही नहीं है, यहाँ पर कितना भी वो उधम मचाए कोई दिक्कत नहीं है। पर हमारा बकरा थोड़ा सा भी कुछ कर दे या हम उसे यहाँ इधर उधर पेड़ों के पास खड़ा भी मिला उन्हें, तो वो उसे डांट देते हैं, बोलते जाओ यहाँ से। पर कोई नहीं यार, जानवर पर गुस्सा नहीं उतार सकते हम, जानवर तो बहुत ही प्यारे होते हैं, ना समझ है ना बेचारे, इन्हें क्या पता कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है ना बुबा? कहाँ है बुबा? देखो वहाँ कैसे खड़ा है। तो यार मैं पहले तो दिखा नहीं पाया था, अभी आपको दिखाते, तो वो जो बकरी खड़ी है ना बीच में पेड़ में, वो माँ है और वो दोनों बच्चे हैं, और उसी माँ ने बुबा को मारा था बड़ी ज़ोर से, और लूसी को भी मारा था बहुत ज़ोर से, मारा था दोनों को। और अभी देखो मान भी आया है, मान वो खड़ा, उसकी बकरी आई है और उसने बहुत ज़ोर से मारा था हमारे दोनों बच्चों को। खैर छोड़ो अब तो पुरानी बात हो गई। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें बगैर मत जाना। आज हमने आपको बताया कि बुबा और लूसी को किसने मारा था और बुबा के साथ यहाँ कितना भेदभाव होता है, उसे पत्ते खाने को नहीं मिलते, वैसे भी वो खाता नहीं है। तो मिलता है आपसे इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।